एडिशनल सर्विस जो है हमें स्वीकार करनी चाहिए टू द एक्सटेंट कि हमारी जो एग्जिस्टिंग सेवा है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मोर अर्जेंट वही वो सफर ना हो. अगर अर्जेंट नहीं है मैं सेवा एक आध घंटे बाद भी कर सकता हूँ एंड ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प एट डिवोटिंग हाँ श्योर प्रभु आपकी हेल्प कर लेता हूँ वी कैन डू दैट. तो इसीलिए अपने आप को हमेशा आगे रखना सेवा के लिए हेल्प करने के लिए इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इफ अ डिवोटी बिकम्स टू सेल्फ अब्जॉर्ब मैं मेरी साधना मेरा जपा मेरी रीडिंग मैं सारे यही कर रहे हैं मैं सारे उसे मैं और सारा जो भक्तों का समाज हो गया वो भर गया हो किसमें मैं इट विल बी अ कोलैप्स एज सोसाइटी एज अ कम्युनिटी इट विल बी अ फेलियर. क्योंकि से बोले प्रभु आप थोड़ा प्रसाद बांट देंगे मैं मेरे को जब करना है मेरे को किताब पढ़नी है मेरे को MP3 पे लेक्चर सुनना है मैं लेकिन ना वो प्रसाद बांटना प्रभु मैं कोई बात नहीं बेटा वक्त तो मेरा भी आएगा. तो अगली बार इसने जब इससे मदद मांगी कि प्रभु जी मेरे को ना थोड़ा मार्केट छुड़ाएंगे मेरे को ना ये थोड़ी चोट लगी अस्पताल लेके जाना है मैं मेरे को तो पढ़ना है मेरे को तो तबा करना है मैं तो सारा मैं अगर ये समाज है सारा कहने लेगा भैया ये बैकुंठ है क्या कहते नहीं सर ये सुपर कुंठा है बाहर जो है उसको बोलते हैं कुंठा लोग इसको बोलते हैं सुपर कुंठा लोग हैं मैं सो वी शुड ऑलवेज ऑफर आर सेल्फ फॉर सर्विस. हाँ प्रभु जी मेरे को सेवा बताइए ना आप ये होना चाहिए वैष्णव समाज भैया कि मैं सो वी शुड ऑलवेज ऑफर आवर सेल्स टू समबडी. अब मान ली रात के 10 बज रहे कोई आपसे हेल्प मांगे आपकी 16 माला बाकी हैं देन वी कैन से कि प्रभु देखो यार मेरी ना 16 माला बाकी हैं अभी मेरे को रात को 1 बजना है अभी आज नहीं करवाऊंगा भाई माफ कर दे यार. तो मना करने से किसी को बुरा नहीं लगता हम कैसे मना करते हैं इससे बुरा लगता है. क्या आया तुम आया थे यार किसी वक्त आयोग है तुम लोग यार इससे बुरा लग जाएगा वक्त को आराम से मना कर देगा प्रभु जी मेरी बड़ी इच्छा थी आपकी सेवा करता आज नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगली बार आपकी दुगना सेवा करूंगा आई एम वेरी सॉरी प्रभु जी. मना करना उससे बुरा नहीं लगता बुरा लगता है कैसे मना किया दैट्स इंपॉर्टेंट. अब हनुमान जी आगे बढ़े हैं तो जब वो लंका में जब उन्होंने प्रवेश किया लंकनी को सबक सिखाने के बाद तो अपने बाएँ फुट से अपने बाएँ पाँव से जो है अंदर प्रवेश किया. किसी शुभ कार्य के लिए अगर प्रवेश करना हो तो दाएं पांव से एंटर करना चाहिए लेकिन जब दुश्मन के घर में जाकर के उसको परास्त करना हो तो बाएं पांव से एंटर करना बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है. और गेट से एंटर नहीं करना चाहिए किसी ने किसी गुफा से किसी गुप्त रास्ते से प्रवेश करना चाहिए तो दुश्मन के यहाँ ऐसे प्रवेश करना चाहिए. तो इसीलिए जो है बहुत छुपते छुपाते हनुमान जी प्रवेश किए हैं और भी अपना बाया पाँव जो है वो अंदर किए हैं. जैसे आपने देखा जब शादी होती किसी की तो लड़की घर में आती तो राइट पाँव से जो कलश है वो गिराती है लेफ्ट पाँव से नहीं क्योंकि वहाँ दुश्मन की तरह नहीं आ रही लेकिन दुश्मन के अगर एरिया में जाना हो तो फिर बाएं पाओ तो ये रख कर फिर उसके बाद फिर हनुमान जी आगे बढ़े. हनुमान जी जब आगे बढ़े उसके बाद वहाँ पर उन्होंने देखा कि ना लंका जो है इतनी ज़्यादा भव्य है. यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम कल भी देख रहे थे सुन रहे थे हम लोग कि वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ सब तरह के राक्षस भी हैं कुछ ऐसे राक्षस थे जिनकी 6-6 भुजाएँ हैं सारे राक्षस लेकिन बड़े एक्सपर्ट थे कोई किसने गधा ली हुई है किसने भाला लिया हुआ है लेकिन सब के सब जो भी उनके पास है ना वो चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट है. कुछ ऐसे स्थान भी थे जहाँ पूजा के स्थान भी थे वहाँ पर कि वहाँ पूजा अर्चना भी लेकिन किस लिए होती है ताकि लंका सुरक्षित रहे. वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि हेड शेव करा करके शिखा रखे हुए थे स्वाहा 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 लंका सुरक्षित रहे स्वाहा 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 लंका सुरक्षित रहे इस तरह करके यज्ञ हवन चल रहे थे लेकिन लक्ष्य क्या था लंका की सुरक्षा. तो इस प्रकार से राक्षसों को देखा हर प्रकार की एक्टिविटीज में कोई गैम्बलिंग में लगाया कोई भोग विलास में लगाया दैट फेज लग रहा था कि मतलब इंद्र का जो अमरावती है ना जो इंद्र का स्थान है रहने का स्थान जो वहां होता है उससे कई गुना सुपरलेटिव डिग्री में यहां पर राक्षस लोग कर रहे थे रावण के राज्य के अंदर. उसके बाद फिर और अंदर घुसे अब उन्होंने देखा कि ना थोड़ा हाइट पे जा करके फिर वहां रावण का महल था और जितनी ऊंचाई पे जाते रहो वहाँ पर ऐश्वर्य और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा. तो इस प्रकार से जो पीक पे जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पीक पे पहुँच करके वहाँ देखा वो महल था रावण का. अब रावण के महल में जब उन्होंने एंट्री की तो वहाँ पर आसपास जो थे बहुत सारे वृक्ष भी थे और वृक्ष में ऐसे पक्षी भी थे
जिनको देख के हनुमान जी हैरान रह गए कि ऐसे पक्षी तो सोच रहे थे वो एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे पक्षी अजीब अजीब पक्षी थे कि पता नहीं शायद पूरे सृष्टि में और कहीं नहीं होंगे, अरे रावण ने स्पेशल बना के रखे हमने यहाँ पर, ऐसे थे। साथ ही उन्होंने फल भी थे, वो तो जो फलों के वृक्ष जो थे वो तो थे ही वहाँ पर। साथ ही वहाँ पर बहुत ही सेंशुअस म्यूजिक चल रहा था, एक ऐसा म्यूजिक जो कि भोग करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करे और ज़्यादा फैसिलिटेट करे, इस तरह का म्यूजिक वहाँ चल रहा था। शिल्प शास्त्र का बेहतरीन इस्तेमाल किया हुआ था, मतलब ऐसा था कि इवन विश्वकर्मा जी को भी लगे कि ना ये मेरा मास्टरपीस है लंका, अब इसके बाद इससे बेहतर चीज़ मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं दिस इज माई दी बेस्ट, ऐसा लगता था लंका को देख करके। और जब और आगे बढ़े तो कई सारे विमान भी थे जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे, और उन्होंने जो सबसे बेस्ट विमान जो था वो था पुष्पक विमान। ये पुष्पक विमान ऐसा था जो कि हंस की शेप में था, और इसमें बेहतरीन से बेहतरीन मशीनरी लगी हुई थी। ये इसका जो कनेक्शन था वो ब्लूटूथ से हो रखा था विद द माइंड ऑफ रावण। रावण जैसा सोचेगा ये वैसा होगा, रावण बोलेगा चल जहाँ जाना है तो अपने आप ये GPS फिट करके वहाँ पहुँच जाएगा। दैट इज इसका माइंड कनेक्शन था रावण के साथ। जितने ट्रैवलर्स होंगे उतनों के अकोमोडेट कर लेगा, अगर दो लोग हैं तो दो वाला बन जाएगा, अगर छः लोग हैं तो छः लोग वाला बन जाएगा, तो अपना साइज बड़ा छोटा कर सकता था। इसलिए श्री राम जब सारी वानर सेना के साथ, कितनी वानर सेना थी आपने देखा, वो सारी वानर सेना के साथ पुष्पक विमान में गए, पुष्पक विमान अपने आपको एक्सपैंड कर लिया, और लोग आने जी हाँ जी, मतलब ऐसा नहीं होगा पुष्पक विमान में जी सीट भर गई है सॉरी ना। तो उसकी टेक्नोलॉजी को देख कर के हनुमान जी बड़े हैरान हो गए कि क्या मतलब अद्भुत, और ये सब देख रहे थे। तो फिर लेकिन हनुमान जी ने कहा मैं लेकिन यहाँ ये सब देखने नहीं आया, मैं तो सीता मैया को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो इस सारी ऑब्जर्वेशन के अंदर फिर अल्टीमेटली फिर उन्होंने देन अगेन ही फोकस्ड ऑन फाइंडिंग आउट सीता देवी। तो और अंदर एक क्वार्टर्स में गए, और अंदर एक क्वार्टर्स में गए तो वहाँ पर, बल्कि वहाँ पर एक लक्ष्मी की मूर्ति भी थी। तो हनुमान जी देखे हैरान हुए कि जो आदि लक्ष्मी हैं उनको तूने कैद करके रखा हुआ है और यहाँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहा है अगरबत्ती घुमा रहा है उनके आगे, बदमाश कहीं का ना हो तो। और फिर और हनुमान जी आगे बढ़े तो वहाँ पर ऐसी वॉल्स भी थी लंका के महल के अंदर जो कि चंद्रकांता एक खास तरह का स्टोन होता है उसकी बनी हुई थी। इनकी खासियत ये थी कि चंद्रमा से शीतल लेती हैं ये और उस शीतल को जो है महल के अंदर डालती हैं, तो देवर लाइक एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स कि किस तरह से महल बड़ा ठंडा रहेगा। तो चंद्रकांता के स्टोन्स लगे हुए, चंद्रकांता खास तरह का स्टोन होता है जो कि चंद्रमा की शीतलता को लेकर महल में था। उन्होंने ये भी देखा वहाँ पर। और जितने भी रूम्स थे वहाँ पर पाँचों इंद्रियाँ तुष्ट हो रही थी। वहाँ पर जो ग्राउंड था वहाँ पर ऐसा मखमल बिछा हुआ था कि चलने में लगे कि ना हमें कहीं पहुंचना नहीं, बस इसमें चलते ही रहें, इतना मखमली था सारा फर्श। और वहाँ सेंसुअस साउंड्स भी थी और वहाँ पर हर प्रकार की डेलिकेसीज, एनी टाइम कुछ भी खाना है आपको देवर देर, मतलब सारी इंद्रियों को तुष्ट करने का वहीं समाधान था इस महल के अंदर। तो ये सब जो है हनुमान जी देख रहे, लेकिन इस सबसे जो है प्रभावित नहीं हो रहे थे। फाइनली वो और इनर चैम्बर में गए तो वहाँ पर कई प्रकार की स्त्रियाँ थीं, बहुत ही सुंदर स्त्रियाँ, कोई गंधर्वी का थी तो कहीं तो कोई जो किन्नर की प्रजाति से थी, सुंदर स्त्रियाँ, और कोई मतलब किसी ने आधे वस्त्र पहने हुए थे, किसी ने पौने वस्त्र पहने हुए थे, कोई सोई हुई थी, कोई आधी सोई हुई थी, कोई हंस रही थी, कोई दारू पी रही थी, सबका यही हाल था। लेकिन ये चीज़ लगी समय कौन थी, सबके हाथ में दारू का ग्लास हो सबके हाथ में था, तो कोई लाल रंग की पी रही थी, कोई नीले रंग की पी रही थी, कोई पीले रंग की पी रही थी, कोई सोडा डाल के पी रही थी, कोई नीट पी रही थी, लेकिन सबके पास दारू तो कॉमन थी। बाकी फीचर सबके भले अलग अलग हों कि कोई पीली दिखती थी, कोई नीली दिखती थी, कोई हरी दिखती थी, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी, सबकी सब एकदम टुल्लो रखी थी। तो ऐसा तो वहाँ पर यह हाल था। और इन सारी स्त्रियों के बीच में, सुंदर स्त्रियों के बीच में एक व्यक्ति लेटा हुआ था जिसकी 20 भुजाएँ थीं, 10 सर थे, और उसके शरीर पे जो है लड़ाई के निशानी बने हुए थे, एरावत का निशान बना हुआ था, इस तरह से एरावत का जो टस्क था जब वो लगा था तो उसका मार्क भी था, विष्णु के डिस्क का निशान भी था, और इस सबके बीच में जो है लेटा हुआ था रावण, और वो आराम कर रहा था। और रावण के बगल में इतनी सुंदर स्त्री लेटी हुई थी कि उनको देख करके हनुमान जी को आ गया विश्वास कि चलो इतनी मेहनत करने के बाद सीता मिल गई, सीता मिल गई। तो जो जो राम जी ने बताया था तो वो मैच करना शुरू किया,
तो किसी में 99% मार्क्स मिले, किसी में 95% मार्क्स मिले, किसी में 90% मार्क्स मिले, तो उनको लगा जो सबसे बेहतरीन जो मैच हो रहा है वो ना इस तरीका ही हो रहा है। या चलो सीता मिल गई, उसके बाद तो हनुमान जी ने वहाँ पर जो है अपना मन ही मन में गुनगुनाना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, मेहनत सफल हुई, मेहनत सफल हुई, सीता मैया मिल गई, सीता मैया मिल गई, मिल गई। लेकिन ना एकदम से हनुमान जी रुक गए, कहते हैं सीता मैया मिल तो गई लेकिन रावण के बगल में सीता मैया ऐसे सो जाएंगी, ऐसे रावण और ना से सो जाएंगे बल्कि तसल्ली से रह जाएंगे और इस प्रकार के गहने वहने पहन लेंगी राम जी की अनुपस्थिति में सीता मैया, और इस प्रकार से जो है इन सारी रानियों के बीच में, ये सारी औरतों के बीच में ऐसे लेट जाएंगी और भी रावण के बगल में उसी के बिस्तरे पे। ना नहीं, ये सीता मैया नहीं हो सकती। तो इसे हालांकि मंदोदरी को देख करके उनको फील यही हुई कि ना ये सीता है, लेकिन वो फिर देख लिया कि ना शी इज क्वाइट क्लोज बट शी इज नॉट रियली एज ग्रेट एज सीता देवी। तो इसीलिए अब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अब आगे बढ़ते रहे और ये ढूंढते रहे कि कौन सी वाली जो होगी सीता मैया होंगी। तो कुछ जो थी लेटी हुई थी, कोई धुत पड़ी हुई थी, कुछ ये कर कुछ ना कुछ बकबका रही थी, कुछ उल्टी पड़ी थी। तो हनुमान जी जो सबको देख रहे थे, तो ये देखते देखते ना फिर उनको याद आएगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं औरतों को देख रहा हूँ इस तरह से, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्कैनिंग, क्योंकि जो उनको उन्होंने राम जी से सुना हुआ है उसमें फिट हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन उसके लिए देख रहे हैं नीचे से ऊपर, उसके सारे अंगों को देख रहे हैं, उसके चेहरे को देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी का धर्म होता है स्त्री को नहीं देखना चाहिए, ये तो मैं ब्रह्मचारी धर्म मैं तो भ्रष्ट कर रहा हूँ, ये तो मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा, लेकिन ब्रह्मचारी से भी, ब्रह्मचारी का धर्म जो है निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन उससे भी ऊपर है राम जी की सेवा, क्योंकि मुझे राम जी की सेवा करनी है, इसीलिए मुझे ये कार्य तो करना पड़ेगा। अब यहाँ हनुमान जी हैं जो कि हालांकि ब्रह्मचारी हैं, लेकिन फिर भी वो माताओं को देख रहे हैं राम जी की सेवा में। उस तरफ लक्ष्मण जी हैं जो कि वैसे गृहस्थ हैं, लेकिन रहे वो ब्रह्मचारी की तरह राम जी की सेवा में, क्योंकि सबसे अधिक जरूरी क्या है, राम जी की सेवा। इस प्रकार से 12,000 स्त्रियों को देखा हनुमान जी ने, 12,000 कोई नंबर होता है 12,000, हनुमान जी ने एक एक करके 12,000 स्त्रियों को देखा। तो इसलिए उनको देख करके ना फाइनली सबकी स्कैनिंग करने के बाद फिर राम जी, हनुमान जी बहुत ही उदास हुए, कहते हैं यार सीता मैया मिली ही नहीं, इतना ढूंढा मैंने। ऐसा तो नहीं कि जब रावण सीता मैया को लेकर आ रहा था वो चिल्ला रही होंगी, हाथ छुड़ा करके भागी होंगी तो समुद्र में गिर गई होंगी और डूब गई होंगी वो, फिर वो बैठ बैठ के इस पर सोचते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है रावण ने खा ही लिया हो सीता मैया को, सीता मैया को बोला होगा मेरे से विवाह कर लो, सीता मैया ने मना किया होगा और खा गया होगा सीता मैया को, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है फिर, ये सीता नहीं है, हो सकता है किसी ना बहुत अंदर किसी कंदराओं में जाकर छुपा के रखा हो इसलिए नज़र नहीं आ रही, या फिर ऐसा ना हुआ हो कि रावण ने को जब मना किया हो तो आसपास राक्षसियों ने गुस्सा आया हो और वो खा गई हो सीता मैया को, क्या रहा होगा। तो इस प्रकार के सारे विचार जो हैं उनके मन में आ रहे हैं, कहते हैं अच्छा अगर सीता मैया वाकई में चली गई हैं, लेकिन संपाती ने तो देखा था सीता को, तो इतनी जल्दी खा लेगा रावण ने फिर सीता को, इतनी जल्दी नहीं खा सकता रावण, लेकिन संपाती ने तो देखा था, संपाती ने देख के बताया, संपाती झूठ बोल रहा था क्या, नहीं जो व्यक्ति रो रो करके अपने दिल के हाल बताया और धन्यवाद दे वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ होगा, लेकिन लंकनी बोली थी जब रावण लेके आया ना सीता को, इसलिए अब लंका का तो नाश निश्चित है, तो यानी मेरे लंका पहुंचे तक भी यानी कि सीता सुरक्षित है, तो इतनी जल्दी फिर सीता मैया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वाकई में सीता मैया को अगर कुछ हो गया हुआ तो क्या होगा, अगर सीता मैया नहीं रही तो ना राम जी भी नहीं रहेंगे, राम जी नहीं रहेंगे ना तो लक्ष्मण जी प्राण छोड़ देंगे, लक्ष्मण जी प्राण छोड़ देंगे ना तो राम लक्ष्मण के जाने के बाद भरत जी प्राण छोड़ देंगे, जब भरत जी प्राण छोड़ देंगे ना तो शत्रुघ्न भी प्राण छोड़ देगा, जब चारों भाई प्राण छोड़ देंगे ना तो तीनों माताएं भी प्राण छोड़ देंगी, जब तीनों माताएं प्राण छोड़ देंगी ना तो जितने अयोध्यावासी वो भी प्राण छोड़ देंगे। हाँ
जब ये सब प्राण छोड़ देंगे ना, ये जान करके सुग्रीव प्राण छोड़ देंगे, जब सुग्रीव प्राण छोड़ देंगे ना तो जिस दिन वानर सेना आए ना वो ही प्राण छोड़ देगी, जब ये सब प्राण छोड़ देंगे ना तो तारा और रूमा वही प्राण छोड़ देंगे, तो तारा और रूमा प्राण छोड़ देंगे ना तो उनका बेटा अंगद वही प्राण छोड़ देगा। इस प्रकार से सीता मैया के प्राण छोड़ने पर ना अयोध्या सारी खत्म हो जाएगी, किष्किंधा भी खत्म हो जाएगी। तो भाई हनुमान जी, मैं क्या कर रहा हूँ यार, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ मैं? तो हनुमान जी ने कहा, मैं बैठा हुआ हूँ ना इसलिए नेगेटिव सोच रहा हूँ, खड़ा होकर कुछ करना चाहिए। तो हनुमान जी खड़े होकर के कहा, चल ढूंढते हैं, अभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं। यूजली आप देखो हम जब बैठे होते हैं ना तो नेगेटिव थिंकिंग आती है, लेकिन खड़े हो जाओ ना कुछ करने लगे, कहते नहीं यार लेट्स डू समथिंग, करते हैं तो अगेन वी बिकम पॉजिटिव। तो हनुमान जी ने कहा, ये बैठ के नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मैं क्या बैठे बैठे क्या सोच रहा हूँ, ये मर गए तो वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे तो ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, वो सब मर जाएंगे, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, क्या कर रहा हूँ मैं? तो हनुमान जी जो है नहीं, ढूंढते हैं हम सीता मैया को ढूंढेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर इतने सारे ऐश्वर्यशाली जो उनका लंका है उसमें फिर हनुमान जी ने अपनी सर्च चालू रखी। हम देखते हैं कि ना कल भी हमने चर्चा की किस तरह लंका कितने ऐश्वर्यशाली है, आज भी हमने चर्चा की कि ना लंका में कितना ऐश्वर्य था। तो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन रामायण के अंदर आता है, रामचरितमानस में भी आता है और वाल्मीकि रामायण में भी आता है, लंका का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन, भला इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन ये रावण की लंका को देने की क्या आवश्यकता है, ऐसा क्यों? तो इसके लिए भी आचार्यों ने कारण दिया ऐसा क्यों। वास्तव में ना वो रात बहुत लंबी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त हनुमान जी बहुत चिंता में है। तो हम जब चिंता में होते हैं ना तो समय लंबा हो जाता है, तो इसलिए ये बताने के लिए कि वो समय बहुत एंग्जाइटी से भरा था हनुमान जी के लिए, तो रात लंबी हो गई, तो इसलिए डिस्कशन भी लंबा हो गया। दूसरा कारण, जब रावण और उसकी लंका के बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा ना तो सुनने वाले को लगा, अच्छा राम जी का विलन इतना तगड़ा था क्या, ओ फिर तो भाई बात में दम है भाई, विलन में दम हो तो फिर स्टोरी में दम होता है, ऐसे विलन में कोई ऐसा वैसा हो हल्के वैसे मर मुर जाए ये क्या बात हुई। तो इसलिए रावण उसकी लंका उसकी फौज उसकी सेना उसकी ताकत उसकी शक्ति इस सब का डिस्क्रिप्शन मेक्स अ होल लीला मोर एडवेंचरस, तो इसलिए भी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। साथ ही ये बताने के लिए कि हनुमान जी इतने वैरागी हैं कि इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उनका फोकस भक्ति से नहीं हटा, भक्ति बोले तो सीता मैया। तो इसीलिए कभी भी किसी का मन अगर मन भटक रहा हो भक्ति से सीता मैया से तो तुरंत हनुमान जी का स्मरण करना है कि हनुमान जी लंका में प्रवेश करके भी कहीं ना कहीं टेम्प्ट नहीं हुए कि चलो मैं भी कहीं ना कहीं हो जाऊं। वो चाहते तो राक्षस का कोई रूप लेकर के भोग कर सकते थे, बट ही डिड नॉट डू दैट। तो इसलिए ये हनुमान जी की डिटर्मिनेशन है, ये उनका वैराग्य है, इसलिए भी इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। साथ ही ये बताने के लिए कि कामुकता में और प्रेम में अंतर क्या होता है, इसलिए सीता मैया जब राम जी के साथ हैं तो वन में है, वहां पर ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन वहां जो आदान प्रदान हो रहे हैं राम जी के साथ वो बताते हैं प्रेम का स्वभाव क्या होता है। लेकिन लंका ऐसा स्थान है जहां पर ऐश्वर्य बहुत है लेकिन एक ही इच्छा जो चल रही है वो है भोग की इच्छा, इवन यज्ञ हवन भी हो रहे हैं तो उसका लक्ष्य है भोग। तो कामुकता में और प्रेम में अंतर बताने के लिए इसलिए भी लंका का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। इसके बाद जब सारा ये महल वगैरह ढूंढने के बाद फिर महल से ना जब आगे बढ़े तो वहां से एक गलियारा जा रहा था तो वहां की ओर बढ़ गए। जब यहाँ की ओर बढ़े तो वहां फ्लोरा फौना और वहां पर पशु पक्षी और सब बहुत ही बेहतरीन था और चारों तरफ से बहुत ही सुरक्षित था ये स्थान। हनुमान जी ने कहा, पूरी लंका मैंने घूमी, ये जगह तो मेरी आंखों में कभी आई नहीं, मुझको लग रहा है कि ना सीता मैया हो ना हो यही होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रभु श्री राम के दर्शन हमें अपनी इच्छा से नहीं होते, उस तरह से सीता मैया के दर्शन भी हमारे प्रयासों से नहीं होंगे, मुझको ना प्रार्थना करनी चाहिए। तो उस गार्डन में एंटर करने से पहले हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके हृदय से प्रार्थना की कि हे सीता राम जी, आपको कोई भौतिक आंखों से देख ही नहीं सकता, आपको तो सिर्फ दिव्य चक्षुओं से देखा जा सकता है और वो भी आपकी इच्छा से प्राप्त होते हैं, इसलिए हे सीता मैया आप कृपा करिए कि ना आप मुझे दिख जाएं। हे वायुदेव मेरी मदद करिए कि वायु मुझे वहां लेकर के जाए जहां सीता मैया है। हे अग्नि मेरे शरीर में ऊर्जा दीजिए ताकि मैं सीता मैया तक उत्साहपूर्वक पहुंच सकूं। हे इंद्र
सारे ऐश्वर्य वास्तव में सीता मैया के ऊपर ही केंद्रित हैं, इससे जितने भी ऐश्वर्य हैं वो मेरा मार्गदर्शन करें सीता मैया की ओर जाने के लिए। इस तरह से देवी देवताओं को कोई प्रार्थना की है, सुग्रीव को प्रार्थना की कि आपने मिशन में भेजा, आशीर्वाद दीजिए, अब यहाँ सीता मैया मिल जाएँ। और अल्टीमेटली सीता मैया से फिर से प्रार्थना की है कि सीता मैया बिना आपकी इच्छा के आपको भला कौन देख सकता है, तो इसे मैं आपको देख सकूँ इसलिए कृपा करें, हे सीता मैया मुझ पर कृपा करें। ये सोच करके, ये प्रार्थना करके फिर हनुमान जी अब अंदर प्रवेश किया उन्होंने अशोक वाटिका के अंदर। अभी अशोक वाटिका जो है, जैसे उन्होंने पहले भी डिस्कस किया था, हालांकि सब कुछ शोक में है लेकिन फिर भी सीता मैया अशोक में है। क्यों? क्योंकि राम जी का नाम ले रही है। लेकिन हनुमान जी भी इससे पहले शोक में थे कि सीता मैया नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। अब सीता मैया का नाम लेकर के अब ये भी शोक के परे हो गए। तो अशोक वाटिका वो स्थान है जहां पर कोई व्यक्ति शोक में नहीं रहेगा। रावण की अशोक वाटिका है, रावण शोक में रहेगा, एवरी टाइम ही इज फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन सीता मैया जो है राम जी का नाम ले रही है, वो यहाँ अशोक अवस्था में है। और हनुमान जी अब सीता मैया का नाम लेकर के अब जब अंदर प्रवेश किए हैं तो अब वो भी अशोक अवस्था में। इस प्रकार से अब वो अपनी छोटी सी वानर रूप में अब वो आगे बढ़े, तो इस पेड़ से उस पेड़ से इस पेड़ ढूंढ रहे, इतने सारे पेड़ देख मारे, लेकिन ना सीता मैया जो है कहीं मिलनी नहीं। फाइनली उन्होंने देखा कि ना एक पेड़ था तो जिसकी ह्यू गोल्डन कलर की थी। कहते पेड़ भला गोल्डन कैसे हो सकता है, पेड़ तो हरे होते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं, लेकिन इतना तेजस्वी ओजस्वी भला पेड़ कैसे हो सकता है जिसमें कि गोल्डन कलर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या चलो इसी पेड़ के पास ही चलते हैं। ये जो था पेड़, इसका नाम था सिमशुप। ये सिमशुप नाम का जो पेड़ था ये गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का था। लेकिन जब पास पहुंचे तो उनको पता लगा वास्तव में पेड़ गोल्डन नहीं है, उसके नीचे प्लेटफॉर्म है ना, उसकी गोल्डन ह्यू जो है वो इस पेड़ पर आ रही है। जब और नजदीक गए तो फिर वो पेड़ पे चढ़ करके ओवरव्यू करने लगे, ओवरव्यू कर रहे थे कि ना यहाँ अशोक वाटिका में सीता मैया के नजर आ जाए, तो देख रहे थे तो ना तो भी सीता मैया नजर नहीं आ रही। लेकिन उनको हल्की हल्की मरमरी सुनाई दी, राम 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 राम। कहते ये आवाज कहां से आ रही है, उस पेड़ के नीचे देखा वहीं थी सीता मैया। और जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन जो आ रहा था, तो जो तेज निकल रहा था वास्तव में ना प्लेटफॉर्म का था ना पेड़ का था, उस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई सीता मैया का तेज था, जिसकी वजह से वो पेड़ सबसे अलग इफल्जेंट तेजस्वी ओजस्वी नजर आ रहा था, क्योंकि सीता मैया वहां बैठी हुई थी। तो सीता मैया को जब देखा उन्होंने, अरे एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मन में तुरंत ये इच्छा आई कि ना लग रहा है यही सीता मैया है, कितना अच्छा होता कि ना मैं उनसे तुरंत मिल लेता और मैं उनको बोल देता और वो मुझको बोलती थी बेटा और मैं उनको बोल देता माँ, कितना अच्छा होता। अगर मुझे बोलती थी पुत्र, अगर बोल देना, अरे बस जीवन सफल हो जाए। तो उनको देख करके वो निहार रहे थे कि ना जो डिस्क्रिप्शन राम जी ने दिया था एब्सोल्युटली बिल्कुल सेम टू सेम वही डिस्क्रिप्शन है, यस। और सीता मैया को देख करके ना हनुमान जी बहुत शांत हो गए। मंदोदरी को देख करके वो विचलित हो गए थे, नॉट इन द सेंस टू एंजॉय हर, पर इतना का ना रोमांच सा आ गया था, विच वॉज लाइक जैसे राजसिक वाला रोमांच, नॉट दैट ही इज इन रजोगुण, बट वैसा हो गया था। लेकिन सीता मैया को देख के ना बहुत शांत हो गए। असली सीता को देख करके हनुमान जी शांत हो गए, संतोष आ गया उनके हृदय में। नकली सीता को देख करके, मंदोदरी को देख करके वो विचलित हो गए थे बल्कि। तो जब भी हम ठाकुर जी की अंतरंगा शक्ति से मिलेंगे तो हम शांत हो जाएंगे, उनकी बहिरंगा शक्ति का दर्शन करेंगे हम बेचैन हो जाएंगे, हम तो लस्ट में पागल हो जाएंगे वास्तव में। तो इस प्रकार से सीता मैया को देख करके हनुमान जी का जो हृदय है, अरे गदगद हो गया। और साथ ही जब सीता मैया जो ऊपर से जा रही थी, जब रावण लेकर के जा रहा था, तो एक मिली सेकेंड के लिए तो हनुमान जी ने भी देखा था सीता मैया को। तो वो जो कॉम्प्लेक्शन था वही सीता मैया कॉम्प्लेक्शन था, और वो जो साड़ी पहनी हुई थी ऊपर वो सेम साड़ी तो इन्होंने पहनी हुई है, और उनके ऊपर कोई गहने भी नहीं थे, नो ज्वेलरी, क्योंकि सारी ज्वेलरी तो उन्होंने नीचे फेंक दी थी। लेकिन अगर अगर एकाध कोई कुंडल भी अगर कुछ बचा था, कुछ था, तो दूसरे कान में नहीं था। लेकिन ये जो कुंडल था ये वो था जो कि सुग्रीव के पास गिरा था, ये वही कुंडल, कुंडल का दूसरा सीता मैया के यहाँ पर है मैचिंग। और वैसे जो है कोई उन्होंने ज्वेलरी पहनी भी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे कि मैंने जो ग्लिम्स लिया था सीता मैया का और जो डिस्क्रिप्शन राम जी ने दिया था
बिल्कुल सेम टू सेम वही डिस्क्रिप्शन है तो इसलिए ना शत प्रतिशत सीता मैया ही है। यस, अब ये सारा एनालिसिस करके उनको कंफर्मेशन हो गई कि ये तो सीता मैया ही है। अब जो है उन्होंने सीता मैया के दर्शन करने शुरू किए। अभी तो एनालाइज कर रहे थे कि सीता मैया हो सकती है नहीं हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती है, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि ये तो सीता मैया ही है। पहली बार अब फुल ऑन अब दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर सीता मैया के। और साथ ही सीता मैया का जब उन्होंने हालत देखी तो सीता मैया जो है बैठी हुई है और उनके पास दो पुष्प हैं, एक हरे रंग का पुष्प है एक सफ़ेद रंग का पुष्प है, उनसे बात कर रही हैं। उन जो हरा पुष्प है उसको राम, उनको राम करके संबोधित कर रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं। राम जी से हृदय के उद्गार प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप कब आएंगे, इतना समय हो गया है मैं आपके विरह में हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सब बातें जो हैं वो राम जी से कर रही हैं। लक्ष्मण से क्षमा मांग रही हैं, लक्ष्मण तुम तो सेवा की मूर्ति हो वो लक्ष्मण, मेरा कितना सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति का संग मैं प्राप्त कर पाई, मैं तुम्हारा कहना नहीं माना, मुझे माफ़ कर देना। अब ये सब बातें जो हैं सीता मैया उन फूलों के साथ कर रही हैं, हरे और सफ़ेद फूल के साथ बातें कर रही हैं। और फिर राम जी का नाम ले रही हैं, राम जी का नाम ले लेकर उनकी आंखों में अश्रु हैं, राम 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 राम। तो हनुमान जी ने जब भी देखा, अरे उनको लगा सीता मैया तो भक्ति में गुरु हैं उनकी। वो सीता मैया को जब देखा ना उनको देख करके विश्वास हुआ, इतनी महान जब सीता मैया ना, इनके लिए पूरी वानर सेना का अटैक करना रावण के ऊपर बनता है। उस वक्त हालांकि हनुमान जी सोच रहे, जब लंका के लिए निकले थे जब, उस वक्त जो है जब किष्किंधा से निकल रहे थे तो हनुमान जी सोच रहा था पता नहीं कितनी महान होंगी वो सीता मैया, जिनके लिए राम जी इतनी बड़ी सेना तैयार करके लंका की ओर जाने के लिए तैयार है, तो कितनी होंगी वो। लेकिन कितनी वो है अब वो खुद देख पा रहे, कहते हैं अरे भाई उस वक्त तो हम सोचा पता नहीं कितनी होंगी, आप देख पा रहे हैं वाकई में। अगर ब्रह्मांड की सारी गुड क्वालिटीज, जितने भी अच्छे गुण हैं सदगुण हैं, अगर तराजू में एक जगह रख दिए जाएं और इस तरह सीता मैया की परछाई रख दी जाए अगर, तो सीता मैया की परछाई उन सारे गुणों के ऊपर भारी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा गुणों से भरी हैं सीता मैया। और उनकी भक्ति देख करके राम जी को लेकर के उनके चेहरे पे वो देख रहे थे कि ना पीलापन भी है कमजोरी भी है लेकिन तेजस्वी हैं सीता मैया। सीता मैया को देख करके उनके मन में दोनों भावनाएं आईं, उनको देख कर खुशी भी हुई कि सीता मैया मिल गई, लेकिन साथ ही हनुमान जी के मन में जो है उदासी भी आई, लेकिन सीता मैया दुखी भी तो हैं, राम जी के विरह में वो यहाँ दुखी भी तो हैं। तो ऐसा वो बार बार सोच रहे थे, लेकिन सीता मैया के दर्शन कर रहे हैं और सीता मैया के दर्शन करके आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसा। तो हालांकि उनके ऊपर कोई गहना नहीं है, लेकिन एक गहना जो कि चमक रहा था सीता मैया के ऊपर वो है श्री राम के प्रति प्रेम का गहना ऐसा। तो इसीलिए उनको देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, उनके चरणों को देख रहे हैं और उनकी यही इच्छा हुई कि ना बस अभी जंप मार करके ना मैं सीता मैया के पास जाके अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं हनुमान में आ गया हूँ। तो अभी डाली पकड़ करके नीचे आने वाले थे तभी जो है ड्रम की आवाज, तुम 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 तुम, लंकेश्वर रावण पधार रहे हैं। और लंकेश्वर रावण सफेद रंग के उसने कपड़े पहने हुए, सिल्कन कपड़े कंधे पे उसने अपना उतरी ली हुई है, यहाँ पर गुलाब के फूल लगाए हुए हैं, बालों में जल लगा करके पूरे स्टाइल के साथ झूमता झामदार है, और उसके साथ और राक्षसियां भी हैं और राजकुमारियां भी हैं, वो रावण को देख रही हैं। लेकिन रावण इनकी ओर नहीं देख रहा, रावण की आंखें फिक्स थी सीता मैया के ऊपर और चलता हुआ आ रहा पूरे भाव से फिर से। लेकिन आता था ये गुलाब गुलाब फूल लगा के, लेकिन तलवार भी लेकर के आता था, मतलब उसका रोमांस ऐसा नहीं था, मतलब ही वॉज फुली रोमांटिक, साथ में ये भी रहता था उसका कि अगर कोई ना माने तो उड़ा दो फिर उसको, तो ऐसा भी था उसका भाव। तो उसके साथ सैकड़ों राक्षसियां उसके साथ थी, उसको एस्कॉर्ट कर रही थी, तो और जो राक्षसियां वहां पर जो थी वो सोई हुई थी, बेसिकली रात का समय था, भाई रावण सो रहा था ना, अभी उड़ गया हो उसकी नींद पूरी हो गई, दिन में कोई सो लेना अगर तो रात को नींद भी नहीं आती, फिर दिन में सो गया वो, अभी रात को नींद नहीं आ रही उसको, रात को उठ के आ गया वो फूल वूल लगा करके कपड़े वड़े पहन करके टू टू। तो राक्षसियां जो है अभी नाइट शिफ्ट वाली सोई हुई थी, तो टूफ टूफ सुना तो ये उड़ गई सारी, कहते हो अरे भाई वो रावण आ गए, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा।
और ये सारी राक्षसियां अजीबोगरीब दिखती थी जिस तरह से आई है उनको वेलकम करने के लिए। तो हनुमान जी देख रहे थे किस तरह की राक्षसियां हैं ये, किसी का जो थे कान यहां निकले हुए थे, नाक यहां थी, किसी की आंखें यहां थी, किसी का मुंह यहां था, मुंह ही था बस, वो बोल सकती थी, देखती कहां से थी, यहां आंखें थी। ऐसी ऐसी राक्षसियां, पर किसी के 15-15 हाथ है, किसी के 20-20 हाथ है, किसी की एक ही टांग है, वो लंगी टांग का पाला खेलती खेलती आती है वो। हनुमान जी ने कहा मतलब ये रक्षा करने के लिए उसने क्या क्या कार्टून रखे हुए हैं यहाँ पर सारे सारे, और सारे के, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, सब दारू पी हुई थी और सबके कपड़ों पे खून के निशान लगे हुए थे, मतलब कभी किसी ने किसी का शिकार किया, उन्होंने खाया हुआ है किसी को ऐसा। तो ये जो है सारी राक्षसियां जो आड़ी टेढ़ी, एक नाक वाली, 10 आंख वाली, तो 10-10 कंधे वाली, एक पांव वाली, 10 पांव वाली, कोई कॉकरोच जैसी दिखने वाली, सब ये आई हुई थी। रावण की जय हो, लंकेश्वर रावण की जय हो। तो रावण जो है आया तो सबने गुणगान करना शुरू किया, कहता अरे लंकेश्वर रावण, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और सीता के ऊपर जो है रावण आंखें फिक्स देख रहे हैं सीता मई को, और सीता मई जहाँ मुंह फेर करके बैठी, अरे देख अपना तू सौभाग्य देख, रावण खुद तेरे पास आए हैं और तू मुंह फेर रही है तू। तो सबने आसपास क्या किया, रावण का गुणगान करना शुरू किया, रावण कितने महान है, दिस दैट, सबने बोलना शुरू किया। तो जितना बोले उतना ना सीता मैया का मुंह और कसैला हो जाया। तो फिर रावण ने क्या किया, रावण ने सबको शांत किया, अपने कान से गुलाब का फूल निकाला और सीता मैया को बोला, स्त्रियों को उठाना यह हमारा धर्म है, रावण को समर्पित हो जाओ हे सीते, अब यही तुम्हारा कर्म है, भले ही तुम मना करो, नहीं आती मुझको शर्म है, राम आएगा तुम्हें बचाने, ये तुम्हारा भ्रम है। तो सबने कहा वाह क्या आवाज है रावण, क्या आवाज है, क्या आवाज, वाह वाह क्या आवाज। लेकिन सीता मैया इस बकवास पोएम को सुनकर के उनका मुंह तो और मूड खराब हो गया। तो सीता मैया ने वहां पड़ा एक और घास का तिनका लिया और बीच में फिर मार दिया। हमने कई कारण डिस्कस किए थे राइट, तो इसीलिए जो है ये अब उस वक्त जो है सीता मैया ने जब घास जब फेंकी उस वक्त, तो सीता मैया के मन में स्टोरी आ रही थी कि घमंडी लोगों का घमंड तो भगवान ही तोड़ते हैं। एक समय ऐसा हुआ था कि जितने देवी देवता थे, जो सीता मैया सोच रही उस वक्त जो स्टोरी सोची उस वक्त भी है सीता मैया, शी सो वैदिक इन हर थिंकिंग, उस वक्त जो स्टोरी सोच रही थी सीता मैया, वो सोच रही थी कि एक समय ऐसा हुआ था शायद देवी देवता बड़े घमंडी हो गए थे क्योंकि उन्होंने राक्षसों के ऊपर आक्रमण किया था, जीत गए थे, सबके सब जो है बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, सबके हाथ में कोई ना कोई ड्रिंक था, सब पी पा रहे थे और सोच रहे थे सब ऐसे ऐसे कर ये कर रहे थे। भगवान ने देखा बड़े घमंडी हो गए देवी देवता। तो उस वक्त भगवान जो है ब्राह्मण रूप में आए थे, वामन रूप में आए थे, उन्होंने कहा हे देवताओं मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बोल बालक, क्या मदद चाहिए भाई? कहते हैं वो घर में अंगीठी जलानी थी, थोड़ा ये घास का तिनका अगर जला देते तो बड़ी कृपा होती। अरे क्यूटी पाई, तिनका जलाने के लिए हमारे पास आए, अब राक्षसों को जीत के आ रहे हैं हम, तिनका क्या होता है हाँ? ए वायु इसको उड़ा के मेरे पास आकर, वायु ने पूरा जोर लगाया तिनका उड़ा ही नहीं। कहते अरे कोई नहीं यार वहीं जला देंगे, ए अग्नि वहीं जला दे पकड़ा दे ब्राह्मण को। अग्नि ने जो है वो पूरा जोर लगा दिया, पूरा क्या पूरा नौ घुमा दिया अपना, वो जला ही नहीं वो। उसके बाद जो है इंद्र ने अपने वज्र से पूरा प्रहार कर दिया, लेकिन ना तो भी वो घास का तिनका एज इट इज, घास का तिनका नहीं जला यार। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों की औकात के परे होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके चलते हैं हम। कहते एक मिनट भाई तू कौन है बता दे जरा, इस तरह से हमारी एक साथ चौपसी करने वाला कोई आम आदमी तो हो नहीं सकता, तो बता दो भाई साहब कौन हो आप। तो ब्राह्मण ने अपना विष्णु रूप दिखाया, कहते अरे बहुत घमंड हो गया तुम लोगों को, तुम राक्षसों को थोड़े जीते, तो ये है तुम्हारी औकात, घास का तिनका नहीं जला तुम लोगों से, जो जीत के आए हो ना वो शक्ति मेरे से ही आती है। कहते प्रभु सो सॉरी घमंडी हो गए थे हम। तो घास का तिनका जब सीता मैया ने मारा उस वक्त ये स्टोरी सोच रही थी कि जिस तरह से देवी देवताओं घमंड भंग किया ना, उस तरह से राम जी आएंगे ना तेरा घमंड भंग करेंगे।
तो इसलिए सीता मई ने बीच में घास का तिनका फेंक कर ही दिया। तो और साथ ही ये करके ये बता रही थी कि तू जो तू ये लेकर के आता ना चारे ताम झाम, ये सारा ऐश्वर्य जो है घास के तिनके के बराबर है, दैट्स इट। और वैसे जो है जितना ये ऐश्वर्य दिखा रहा था वो कि ये सारा ऐश्वर्य तुम्हारे लिए सीते, एक बार बस हाँ कर दो, एक बार हाँ कर दो, ये जितनी भी हैं रानियां मेरी ये तुम्हारी सेविका हो जाएंगी, यू विल बी द चीफ क्वीन। तो सीता मैया ने कहा अगर मुझको सारे ऐश्वर्य से तू भड़का सकता, मुझको बहका सकता, तो ये सोच मूर्खानंद मैं सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके आई राम जी के लिए, राम जी के साथ मैं अयोध्या का ऐश्वर्य छोड़ करके आई हूँ, तो यानी राम जी के लिए जो चीज़ मैं छोड़ सकती हूँ तो उसी चीज़ के तो मेरे को दोबारा अटेम्प्ट कैसे कर सकता है? क्या दिमाग नहीं है क्या? क्या तेरी लंका में कोई तेरी काउंसलिंग करने के लिए नहीं है क्या? क्या दिमाग है नहीं है? जब मैं लंका छोड़ के आई हूँ ये सब चीज़ें, मैं दोबारा इससे कैसे भटक जाऊंगी मूर्खानंद? तो सारी राक्षसियां सोच रही हैं हमारी तो कभी हिम्मत ना हो एक ऐसे शब्द बोलने की, सीता तो खुलेआम बेइज्जती करती है रावण की। तो रावण ने फिर से अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, तो लेकिन सीता मैया जो उसको डांट लगा रही, जैसे माँ डांट लगाती ना, सीता मैया में रावण को देखकर वही भाव था जो कि माँ के मन में भाव आता है एक बदतमीज बच्चे को देख करके, क्या तमीज नहीं है तेरे को, क्या पागल हो गया तू, कहाँ है तेरा दिमाग? सीता मैया उसको वैसे ही डांट लगाती थी कि एक बिगड़ैल बच्चा है बस उसको समझाना है, तो ये किस भाव से आता था, और सीता मैया उसको इस भाव से डांट लगाया करती थी। तो सीता मैया ने उसको समझा दिया, राम लक्ष्मण शेर है कुत्ते की है तेरी औकात, राम जी को लौटा दे मुझे तो फिर डरने की क्या है बात। तो उसने कहा ये सीता मैया अच्छा बोलती है, नाइस। तो ना लेकिन रावण सोच रहे कि क्या करूं, तो ना तलवार पे उसने हाथ लगा दिया, उसने क्या समझाओ इसे नहीं तो मैं काट के फेंक दूंगा अभी इसको, अभी वो ऐसा बोल ही रहे थे। तो सीता ने बोला तुमको जो है ना तलवार की आवश्यकता नहीं है, तुमको एक अच्छे एडवाइजर की आवश्यकता है जो तुम्हें अच्छी सलाह दे सके, और कुछ नहीं। जब सीता मैया ना अभी भी डरी नहीं तलवार पे उसके हाथ रखने पर भी, तो ना मतलब गुस्से में उसकी आंखें बाहर आ गई, ऐसा उसका हाल हो रखा था। तो भुन मना रहा था अभी वो, मैं क्या करूं तलवार निकालू ना निकालू, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर कर ही रहा था वो। तभी वहां पर उसकी एक रानी थी, वो आ गई, उसका नाम था धान्य मालिनी। उसने कंधा पकड़ा, कहते अरे रावण इतनी सुंदरियां अंदर इंतजार कर रही हैं, ये क्या एक भिक्षुक तो है, एक इंसान है, ये एक इंसान को लेकर के तुम इतने ज्यादा विचलित हो रहे हो, अंदर तुम्हारे अप्सराएं पड़ी हो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, और तुम क्या इस मनुष्य के पीछे पड़े हो, छोड़ो ना। तो रावण की जब थोड़ी ईगो पैम्पर हुई, हाँ और क्या, सही बात है, इंसान ही तो है ये, मनुष्य के पीछे इतना पागल क्यों हो रहा हूं मैं। तो फिर हम तलवार को अंदर डाल करके फिर वहां से जाने लगा, समझाओ इसको, सीता को समझाओ, काउंसलिंग करो, इसकी नहीं माने तो काट दो इसको, ये बोल करके चला गया। 10 महीने अब होने वाले थे, 1 साल का समय दिया था सीता मैया को। उसके बाद फिर वहां से रावण चला गया। अब ये सब सारा इंसिडेंस जो हुआ, हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे, उनको खुन्ना सारी इतनी ज्यादा इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन ना वो धैर्य रखे हुए थे, इतना नहीं अब भी नीचे उतर गया ना सारा प्लान फेल हो जाएगा, इतना लंबा मिशन लेकर के आया हूं, मिशन फेल हो जाएगा। अब हनुमान जी के अंदर देखिए एक तरफ तो डेस्पिरेशन भी है, मुझे सीता जी से मिलना है, तब भी तुरंत महेंद्र पर्वत से छलांग मारी उन्होंने, मैनाक पे रेस्ट भी नहीं किया, यानी कि ही वाज डेस्परेट आल्सो। लेकिन वहां जब सीता मई के पास पहुंच गए हैं तो उनके पास अब धैर्य भी है, सो पेशेंस भी होनी चाहिए, डेस्परेशन भी होनी चाहिए, तो भक्त के अंदर ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। मुझको अपनी लाइफ में अब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, इसके लिए डेस्परेट भी होना चाहिए, लेकिन कृष्ण प्रेम मिलने में अगर देरी हो, भगवत प्रेम प्राप्त करने में अगर देरी हो, तो फिर धैर्य भी रखना चाहिए। तो राम जी के अंदर डेस्पिरेशन भी है, तीव्र इच्छा भी है, लेकिन साथ साथ में उनके अंदर धैर्य भी है, तो धैर्य रखे हुए थे। तभी वहां पर एक राक्षसी आई, उसका नाम था एक जटा। एक जटा बोलती है अरे सीता तू क्यों नहीं समझती है, अरे रावण कितना महान है, वो विश्वास नाम के महान ब्राह्मण का पुत्र है जो कि पुलस्त्य मुनि के पुत्र हुए, अरे लीनियज देख, उनका गोत्र देख, वो राक्षस है लेकिन वैसे ब्राह्मण भी है वो, समझ जा। एक जटा ने समझाया। एक और आई हरी जटा, हरी जटा बोलती है उनका प्रयास तो देख, इतना आज तक उन्होंने किसी पर प्रयास नहीं किया, तू है क्या, देख कितनी अप्सराएं पड़ी हुई हैं, लेकिन इतना इंप्रेस करने के लिए बार बार आते हैं, उनके प्रयास को तो देख,
प्रयास के बाद कृपा भी करते हैं कोई, मान जा। प्रघाश नाम की एक और आई राक्षसी, उसके बड़ा सा मुंह था, दांत भारे हुए थे, कहता है मान जा नहीं तो इन्हीं दांतों के बीच में तेरे को चबा डालूंगी मैं। अब हनुमान जी का बड़ा मन कर रहा था कि ये सब बदतमीजियां जो कर रही है सीता मैया के साथ, जो जो दांत दिखा रहे हैं दांत ही तोड़ दूं उसके, हनुमान जी उनमें ये भाव आ रहा था, लेकिन अब वो धैर्य रखे हुए थे अभी भी। फिर एक और वहां राक्षसी आया, उसका नाम था विकटा, कहते हैं अभी तक जितने भी लोगों को फंसाया है ना अगर, तो वो अपने किसी एजेंट के थ्रू कराया है, लेकिन खुद रावण आते हैं तेरे से मिलने के लिए, तेरे को पूरी पूरा टूर कराया लंका का उन्होंने खुद, तू अपना समझ, अपना वीआईपी स्टेटस समझ, विकटा ने बताया। तो दुर्मुखी बोली, अरे ये सोच जिस व्यक्ति ने प्रकृति को भी कंट्रोल करके रखा है वो तेरे से कंट्रोल होना चाहता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सीता, वो तेरे से नियंत्रित होना चाहता है, रावण वॉन्ट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय यू। ऐसा सीता मैया ने कहा कि जितना भी ऐश्वर्य दिखा दो चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं राम जी की थी, राम जी की हूं और राम जी की रहूंगी। जो जिसकी संपत्ति होती है वो उसी की तो रहती है, जो शशि है वो इंद्र की है, जो अरुंधति है वो वशिष्ठ की है, लोप मुद्रा है वो अगस्त की है, जो सुकन्या है वो चवन की है, सावित्री है वो सत्यवान की है, केशनी है वो सागर की है, दमयंती है वो नल की है, इस तरह से सीता सिर्फ और सिर्फ राम जी की है। सीता मैया के उत्साह को देखिए, देवर ऑल्सो मतलब कंफ्यूज, क्या मानना पड़ेगा ये क्या है ये। तो विकटा विकट नाम की एक और राक्षसी थी, तो उसने बोला कि ना तू ये जो पवित्रता का जो ढोंग कर रही है ना यहां पर, ये पवित्रता का ढोंग तेरा चलेगा नहीं, तेरे को कहीं नहीं लेके जाएगा, इसलिए मान जा हमारी बात, नहीं तो तेरे 7,000 टुकड़े करेंगे हम। कहते एक मिनट, तो एक और राक्षसी आ गई हमें चंदोदरी, कहते टुकड़े नहीं करने, सबसे पहले मैं अपना हिस्सा बता रही हूं, इसका जो स्प्लीन है मैं खाऊंगी और इसका हृदय मैं खाऊंगी, दूसरी बोली किडनी मैं खाऊंगी, इतनी टांगे मैं खाऊंगी, सब जो है आपस में हिस्सा बांटने लग गई। तभी वहां प्रकाश नाम की फिर एक और आ गई राक्षसी, वहां पर कहते ए ऐसे जुड़ी होता है, सब बराबर बराबर खाएंगे, सबको एक एक उंगली मिलेगी, सबको जांग का हिस्सा मिलेगा, सबको हाथ का हिस्सा मिलेगा, और तू अकेली थोड़ा हार्ट खा जाएगी, सबको उसके हृदय का छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा, क्योंकि इसका हार्ट है ना बहुत टेस्टी होगा, बड़ा उसके अंदर आक्रोश भरा है, तो इसलिए वो तो छोटे छोटे टुकड़े करके सब में इकलौते हम बांटेंगे। ये सब चल रहा है सीता मैया के सामने। उसके बाद अजमुखी बोली, कहते हाँ ये बहुत जरूरी, लेकिन साथ में इसके अंदर का जो खून है ना वो भी कटोरी में बराबर बांटेंगे हम, तो ना सिर्फ इसकी हड्डियां और इसके अंग के टुकड़े, पूरे शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े ना सबको बराबर बांटेंगे, साथ में अलग अलग गिलास भी अपना मिलेगा सबको, उसमें इसका खून भी पिएंगे हम लोग, वो भी बराबर बटेगा, ऐसा नहीं खून को इकलौता पिएगा। ये सब बातें चल रही, तभी वहां शूर्पनखा आ गई, कहते तुम लोग राक्षसियों की शान हो, वास्तव में तुम ही आन हो बान हो शान हो, तुमको दंडवत प्रणाम हो, कितना बढ़िया योजनाएं बना रही हो तुम लोग। कहते लेकिन जब इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होंगे, पहले मैं भोग लगाऊंगी, तुम लोग उसका महाप्रसाद पाओगे मेरा। अब ये शूर्पनखा आकर के बोली, अब ये सब जो है सीता मैया सोच रही थी कि ना पता नहीं प्रभु श्री राम कब आएंगे, अच्छा ये मेरे को खा ही जाए और क्या, उनके विरह में जो है रहना वैसे ही बहुत कठिन है, अभी इतने 9 महीने बीत चुके हैं, 10 महीने बीत चुके, लेकिन राम जी अभी नहीं आ रहे, पता नहीं राम जी कहाँ हैं, ऐसा तो नहीं मेरे विरह में रह करके उन्होंने प्राण ही छोड़ दिया हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो सीता मैया जो है इस प्रकार से विचार कर रही थी और वो दुखी हो रही थी। तो अभी राक्षसियाँ जो प्लान कर ही रही थी अपनी, जो है किसी तलवार निकाली हुई थी, धार वार तेज कर रही थी कि अब सीता मैया के टुकड़े टुकड़े कर ही देते हैं, तभी जो है वहाँ त्रिजटा आ गई। ये विभीषण की बेटी थी तो इसीलिए रावण की भतीजी थी, अब रावण की भतीजी होने के नाते इनको थोड़े राइट्स एक्स्ट्रा मिले हुए थे, तो वो रोक भी सकती है, ए तलवार अंदर रख, अंदर रख, ए भाला अंदर रख, ए खुरपी अंदर रख, अंदर रख। तो जितनी राक्षसी थी हमने अपना चक्कू छुरियां सब अंदर रख लिए, कहते क्या कर रहे हो तुम लोग, उसको काटने का प्लान बना रही हो, मैंने अभी सो के उठी हूं। एक्चुअली हुआ क्या, जब रावण भी आया तो भी त्रिजटा सो रही थी, तो रावण ने उठाया नहीं कि चलो मेरी भतीजी है, वो तो खैर कोई नहीं सोती रहती कोई बात नहीं, तो वो उठी अभी, तो उठ के आए, कहता है मैंने ना अभी एक सपना देखा है, और ये सुबह का सपना होता है ना वो सच होता है, तो मैंने ना सपने में देखा कि जो पुष्पक विमान है ना जिसपे रावण बड़े चौड़ा होकर घूमता है, उस पर ना सिल्कन कपड़े पहन करके राम जी हैं, उस पर सिल्कन कपड़े पहन करके लक्ष्मण भी हैं,
और उस पर सिल्कन कपड़े पहन करके सीता भी है, और साथ ही उनके साथ ना वानरों का हजूम है, और वो सारा हजूम लंका से समुद्र पार करके उस तरफ जा रहा है। तो मैंने ये दृश्य देखा अभी अभी सपने में, और ये सब के सब बहुत खुश हैं, बड़े आनंद में हैं। तो सपने कहा, अरे तो ठीक है, दुश्मनों के बारे में अच्छा सपना देख लिया तूने, क्या हो गया? कहते नहीं, सपने में और भी बहुत कुछ था। कहते और क्या था सपने में? क्या सपने में मैंने ये भी देखा कि ना रावण जो है गंजा हो गया है, वो उसके बाल किसी ने मुड़ा दिए हैं, और वो पागलों की तरह हंस रहा है, पागलों की तरह हंस रहा है। वो गधों के ऊपर बैठा हुआ है, उसके ऊपर ना तेल लगाया हुआ है किसी ने, उसको भी भूत चिपक रहे हैं तो चिल्ला रहा है वो, तब तो कभी उसको प्रेत चिपक रहे हैं चिल्ला रहा है वो, और जब वो नीचे गिर रहा है ना तो वो नीचे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, वो एकदम अंधकार में किसी कुएं के अंदर गिर गया है और चिल्ला रहा है वो, और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। और जब वो गिरा है ना तो साथ साथ में उसके पीछे पीछे ना उसकी सारी जो राक्षस सेना है, और तुम लोग, तेरे को भी देखा मैंने, ए तेरे को भी देखा, तू भी जा रही थी रावण के पीछे पीछे, तू भी थी, तू भी थी, तू भी थी, या तुम सब के सब ना रावण के पीछे उस काले कुएं के अंदर जा रहे हो, मानो मृत्यु का मुंह हो और मृत्यु के मुंह में सबके सब रावण के बाद जा रहे हो। तो ये सपना मैंने देखा है अभी। कहते अच्छा, और सुबह के सपने ना सच होते हैं। कहते चलो मालकिन, अब आपने ऐसा सपना देख लिया तो आपने तो मूड ही खराब कर दिया हमारा, इस मूड खराब में अब क्या मांस खाएंगे हम सीता का, चल कोई नहीं, अपनी जगह भाई, अपनी जगह, अच्छा सपना देख के आते, चलो चलो। तो सबके सब वहां पर गई, और फिर उदास हो गई, उदास होकर फिर दारू पी के सो गई। ज्यादा तो तामसिक लोग होते हैं ना, जब तनाव में होते तो सो जाते हैं। जो समझदार लोग हैं ना, वो जब तनाव में होते हैं फिर वो विचार करते हैं क्या किया जाए। लेकिन जो तामसिक लोग होते हैं कहते हैं अभी बहुत टेंशन है यार, सो जाऊंगा ना ठीक हो जाएगा, सो जाते हैं वो ना, घोड़े बेच करके सो जाते हैं, आठ आठ दस दस घंटा सोते हैं, फिर उठेंगे, फिर खाएंगे पियेंगे, सो जाएंगे, ऐसे 24 घंटे सोने के बाद ना फिर वो कहते हैं अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो तामसिक लोग क्या करते हैं, टेंशन में ना सो जाते हैं वो लोग, सो जाता हूँ यार और क्या। तो ऐसा ऐसा राक्षसी ने भी किया, तो सबने ये प्लान बनाया जा करके हम लोग ना सो जाते हैं। तो ये राक्षसी जो थी ये सोने के लिए चली गई। अब हनुमान जी जो है यहाँ पर वेट कर रहे हैं अभी। अब हनुमान जी वेट कर रहे थे कि ना मैं अब ये सब एक बार जाके सो जाएं, ये सारी की सारी एक बार जाके सो जाएंगे ना, फिर मैं सीता मैया से मिलने के लिए जाऊँगा। अब ये सब सो रही थी, को खराटे मार रही थी, तो देख लिया सब खराटे मार रही है, हाँ सब खराटे मार रही थी, सब सो रही हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि ना अब मैं सीता मैया से मिलूं तो कैसे मिलूं, अगर मैं सीता मैया से मिलूंगा ना, अगर मैं सीधे जाऊंगा उनके पास, सीता मैया जय सिया राम, तो ना वो सीता मैया कहेंगे, उनको लगेगा मैं रावण ही हूँ, भेष बदल करके आया हूँ, वो चिल्ला देंगी, फिर ये सारी राक्षसियाँ जग जाएंगी, फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा क्या किया जाए, अगर वानर बन के जाऊंगा तो भी उनका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर राक्षस बन के जाऊंगा तो उनको लगेगा मैं रावण ही हूँ, कोई और सुंदर रूप धरता हूँ तो भी लगेगा नहीं है रावण ही हूँ, क्या किया जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया, वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे ही राम कथा करनी शुरू की, और उसमें डिटेल राम कथा, ऐसी ऐसी डिटेल्स थी उसके अंदर जो सीता मैया जानती थी, जो राम जी ने उनको बताई थी कि पहली बार सीता से मिले था, मिला था मैं तो मैं मिथिला में तब मिला था जब वो अपने कोर्टयार्ड में थी और मैं वहाँ वहाँ पर था। तो और शुरू से लीला बतानी शुरू की, एक समय एक राजा हुए उनका नाम था दशरथ, दशरथ के चार पुत्र हुए उनका नाम था राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, चारों का आपस में बहुत प्यार था। जब राम जी को अगले दिन राज सिंहासन पे बिठाना था, कैकेयी मैया ने ऐसा काम किया जिनकी वजह से सीताराम लक्ष्मण जी को वन की ओर गमन करना पड़ा, और इस तरह से जो है सारी लीला उन्होंने सुनाने शुरू की, और सुनाते 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 जो है उन्होंने सीता मैया का हरण हुआ ये भी बताया, वाली का वध हुआ ये भी बताया, और इस प्रकार से जब सारी वानर सेना साउथ इंडिया पहुंच गई है ये भी बताया, और वहां से फिर हनुमान जी ने जंप लगाया है ये भी बताया, रस्ते में क्या क्या हुआ ये भी बताया, लंका में पहुंचे उन्होंने क्या क्या देखा ये भी बताया, और फाइनली वो जो वानर है वृक्ष पर बैठा हुआ है, और उसी वृक्ष के नीचे सीता देवी बैठी हुई है। लंका में पहली बार राम कथा पता है किसने की, हनुमान जी ने, यस। तो सीता मैया जो है वो सुंदर नरेशन को सुन रही थी,
तो सुंदर नरेशन को सुनते सुनते उनको लगा शायद मेरे अंदर से ही ना ये आवाज़ आ रही है, ये राम कथा मेरे हृदय से निकल रही है, क्योंकि इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा होगा। तो सीता मैया को ना तुरंत, जो इतनी एंग्जाइटी में थी, उनको ना बड़ा संतोष मिला उनको। एक्चुअली हुआ कहता वैसे, एक और जो चीज़ हुई थी वो जब साई ये राक्षसियाँ हो गई ना, तो इसलिए मैंने सोचा ये लोग मुझे क्या काटेंगी, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। तो सीता मैया ने क्या किया, अपना जो जूड़ा था वो खोला और उसकी चोटी जो थी, जो सीता मैया के जो लंबे बाल थे, उन बालों को अपने गले में लपेट करके टहनी पे डाल रही थी, उसको नीचे करके टहनी पे डाल रही थी कि ऐसे करके फिर टहनी को छोड़ दूंगी तो फिर मेरा गला ऐसे बांध करके फिर मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। ऐसा करके ना सीता मैया अपने गले में बांध रही थी ये सब, और हनुमान जी सोच रहे मैं क्या करूँ, मैं जाके कैसे बोल दूँ अभी, ये तो सीता मैया अभी आत्महत्या कर रही है, लेकिन नीचे गया तो राक्षस जग जाएंगी, नहीं जाऊँगा तो सीता मैया के साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा आज रात को, मैं वापस जाके क्या बताऊँगा कि मैं सीता मैया से मिला भी था लेकिन बातचीत नहीं कर पाया, मैं सीता मैया से मिला भी था लेकिन मेरे सामने उन्होंने आत्महत्या की है, ये बताऊँगा किस मुँह से बताऊँगा मैं। तो फिर जब सीता मैया अपने गले में जब इसको लगा रही हैं, और जब तब जो है उन्होंने फिर ये रामकथा करनी शुरू की, रामकथा करनी शुरू की, तो सीता मैया जो है अपने आप में गले में अपने खुद के बाल बांध करके अपने आप को टांगने ये भूल ही गई, और जब भूल गई तो खो गई। ये जो सुंदर नरेशन थी रामायण की, और देखिए ये हनुमान जी की क्वालिटी है, ही इज सो मच अटैच टू राम कथा। जब वानर लोक में जब वानर जाति जो उनके भाई बंधु थे, जब वो उदास हो रखे थे, तो उनको उनमें हिम्मत भरने के लिए रामकथा की हनुमान जी ने, और जब यहाँ पहुँच गए तो सीता मैया की प्रसन्नता के लिए, उनको बचाने के लिए कर रहे हैं रामकथा। तो कोई हतोत्साहित हुआ हो उसे प्राण भर दे रामकथा, और कोई आत्महत्या करने वाला हो उसको सुना दो रामकथा, तो व्यक्ति जीवित हो जाएगा फिर से। नहीं अरे काहे क्या आत्महत्या करने जी, नो सुसाइड, रामकथा। तो इस प्रकार से सीता मैया ने जो है इतनी सुंदर रामकथा जब सुनी, तो रामकथा सुन करके जो है उनको खो ही गई रामकथा के अंदर। तो उनको लगा आवाज़ नहीं, आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उनको लगा वृक्ष से ही आ रही है कहीं ना कहीं। तो ऊपर देखने लगे सीता मैया कि ये आवाज़ ये कहाँ से आ रही है ये आवाज़। तो उसके बाद हनुमान जी जो थे वहाँ से वृक्ष से नीचे उतरे। जब नीचे उतरे, नीचे उतर करके अब उन्होंने देखा ये वानर, तो उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन होगा, ये कहता हो सकता है राक्षस ही हो, यहाँ छुप करके बैठा हो। तो सीता मैंने कहा भली राक्षस हो लेकिन इतनी सुंदर रामकथा करता है ये, इससे हम थोड़ी और रामकथा और सुनते हैं। ये तो कौन हो तुम, सीता मैंने कहा तो मैं तो श्री राम का दास हूँ। अच्छा राम जी के दास हो। अब सीता मैं अभी डाउटफुल है कि ना ये राक्षस होगा या वाकई में दूत होगा। तो सीता मैंने कहा वट एवर, नहीं जो भी यार रामकथा तो बहुत सुंदर कर रहा है ये। तो सीता मैंने कहा अच्छा तो बताओ मुझे राम जी कैसे दिखते हैं, और फिर राम जी के सुंदर रूप का वहां वर्णन शुरू कर दिया हनुमान जी ने कि श्री राम का सुंदर चेहरा, उनकी बौहें जो है बहुत ही सुंदर हैं, उनके कमल नयन हैं जो कि उनके कानों तक जाते हैं, उनकी नाक बड़ी सीधी है पतली हर एकदम राइट साइज में है, उनके जो होंठ हैं वो बिंब जो फ्रूट होता है उसके जैसे लाल हैं, उनकी जो पूरे शरीर पे जो उनकी कांति है वो हरे रंग की है, उनका जो चेस्ट है वो मानो प्रेम का महल हो, उनकी जो भुजाएं हैं वो लंबी हैं और घुटनों तक जाती हैं, उनका जो वक्षस्थल है वो चौड़ा है और जो कमर है वो सिंह के समान पतली है, उनकी जांघें बहुत मजबूत हैं, उनके घुटने बड़े सुडौल हैं, उनकी पिंडलियां बहुत ही मुलायम हैं, उनके चरण कमल हैं। इस प्रकार से सुंदर डिस्क्रिप्शन करना शुरू किया राम जी का। तो उसमें सीता मैया जो है मंत्रमुग्ध हो गई, वाह कितनी सुंदर राम कथा करते हैं। जो भी है पता नहीं ये राम जी का दूत है या नहीं है, वो तो खैर बाद में पता करेंगे, लेकिन जो भी है जितनी सुंदर इसने रामायण सुनाई और जितना सुंदर राम जी के रूप का उसने वृतांत बताया है, टू गुड, 10/10, फुल मार्क्स। तो सीता मैया जो है एकदम से उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। तो उसके बाद जो फिर हनुमान जी ने और बताना शुरू किया उनको डिस्क्रिप्शन, कहता अच्छा मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम राम जी के ही सेवक हो। तो फिर उन्होंने जो है वो चीज़ें बताई, एक तो बताया वृतांत जो कि सिर्फ सीताराम जी जानते थे, वो था जयंत का, कि इस बार जयंत इंद्र का पुत्र आया था एंड ही बस पोकिंग यू,
और आपको जो है आपको कष्ट में देख करके उसके बाद जो हाल किया था राम जी ने उसका, कि उस पर ब्रह्मास्त्र तान दिया था और कोई नहीं सेव कर पाया था, फिर उसकी जो दाई आँख थी, अब ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ सीता और राम जी जानते हैं बस। इसी प्रकार से पहली बार सीता मैंने कब देखा राम जी को, मिथिला में देखा, ये चीज़ से सीता राम जी जानते हैं, दैट्स इट। ये डिस्क्रिप्शन दिए तो सीता मैं को लगा हाँ। दूसरा एक और जो चीज़ है जो कि सीता राम जी ही जानते हैं वो है द रिंग, जिसमें लिखा था श्री राम, श्री ऊपर लिखा हुआ था और नीचे लिखा था राम, तो ऐसे था श्री राम ऐसा। तो इसलिए जब भी सीता मैया अपने हाथ देखती तो वो देखती थी श्री राम, ऐसे देखेंगे श्री, लेकिन किसकी है श्री राम की। तो जब ये अंगूठी देखी सीता मैया, अरे पूरा विश्वास हो गया। अभी हनुमान जी जो है छोटे साइज में ही है, तो सीता मैया को जो है उन्होंने बोला बस मैया अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर के चलता हूँ राम जी के पास। तो सीता मैया ने को लगा हाँ वैसे ऑफर तो बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये अभी उचित नहीं रहेगा, अगर राम जी अगर खुद निकले हुए हैं अगर रावण का संहार करने के लिए, तो इसलिए ये कार्य करना जो है ना ये उचित नहीं रहेगा। हालांकि ये उनको पुत्र के रूप में देखते हैं, ये उनको माँ के रूप में देखते हैं, तो स्पर्श भी करेंगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी सीता मैया ने कहा नहीं अब राम जी जो है मुझे वही आके बचाएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी संपत्ति हूँ, उन्हीं की हूँ मैं। इसीलिए कहते अच्छा तो राम जी कैसे आ रहे हैं सिर्फ, तो हनुमान जी ने बताया बहुत बड़ी वानर सेना उन्होंने तैयार की है, और ये वानर सेना वास्तव में सुग्रीव नाम के उनके सेनापति हैं वो लेकर के आ रहे हैं। अच्छा कह तो तुम ये तुम्हारे ऐसे हैं क्या सारे के सारे पिद्दू से, कहते हैं अरे सीता मैया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बड़ा साइज दिखा देता हूँ। तो हनुमान जी ने वो बड़ा साइज कर लिया, तो सीता मैया ने कहा अरे तो बहुत बड़ा साइज कर लिया तुमने, फिर हनुमान जी फिर से छोटा साइज कर लिया। तो हनुमान तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है, वो तुम्हारा एक्चुअल साइज है या ये तुम्हारा एक्चुअल साइज है, तुम्हारा असल में साइज है क्या। तो हनुमान जी ने कहा मेरा वास्तविक जो साइज है ना वो तो छोटा ही है, लेकिन राम जी की सेवा में मैं कोई भी साइज ले लेता हूँ। बहुत ही उत्तम जवाब, वैसे मेरा एक्चुअल साइज तो छोटा ही है, यानी हमें प्रभु का तुच्छ दास अपने आप को मानना चाहिए, वैसे तो हम तो प्रभु के तुच्छ दास हैं, लेकिन अगर प्रभु की सेवा में जिम्मेदारी लेनी हो तो हम कोई भी रूप ले सकते हैं, बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा प्रभु की सेवा में। जैसे हनुमान जी ने उनको ये जवाब दिया। अब इसके बाद क्या हुआ इसकी चर्चा हम अब कल करेंगे।